यार आप देख रहे हैं न्यू 22 टुडे। आज धरना का 13वां दिन था और 13वां दिन भी बीत गया, लेकिन सरकार की तरफ से कोई भी अधिकारी नहीं है। कल धरना का 14वां दिन है सीटेट अभ्यर्थी का, और कल सभी अभ्यर्थी, लगभग 5-6 अभ्यर्थी भूख हड़ताल पर जाने वाले हैं। चलिए आइए इसी क्रम में बात करते हैं, जो छात्र भूख हड़ताल पर जाने वाले हैं उससे हम डायरेक्ट बात कराते हैं कि कल आप सर भूख हड़ताल पर जाने वाले हैं, कल 14 पर जा रहे हैं। कल भूख हड़ताल पे जा रहे हैं हम, तो सरकार से शांतिपूर्ण तरीके से अपना जो भी बात है रखना चाह रहे हैं। सरकार हमारी बात को ज़रूर सुनेगी, क्योंकि संविधान के दायरे में रह के जो भी काम किया जाता है वो सही होता है। तो हम संवैधानिक दायरे में रह के अपना जो काम कर रहे हैं भूख हड़ताल पे। हम लोग 13 दिन से भी शांतिपूर्ण जी, बिल्कुल बिल्कुल शांतिपूर्ण कर रहे थे। और हम लोग का रोड शो भी हुआ है, तो उसमें भी उस तरह का उग्रता नहीं था। हम लोग को प्रशासन भी बोला कि आप लोग हो गया, आप लोग साइड से जाइए, रोड जाम नहीं कीजिए। तो हम लोग आराम से कर लिए हैं, और जो भी है कानून का हम लोग मतलब रिस्पेक्ट करते हुए काम कर रहे हैं। भूख हड़ताल पर जा रहे हैं, भीषण गर्मी है, तबीयत भी खराब हो सकता है, तो क्या इसे भी तो प्रताड़ित हो रहे हैं ना जी, के क्या करेंगे, 3 साल से तो झेल रहे हैं, खाने के लिए पैसा नहीं है, तो जी के क्या करें? जी के क्या करेंगे, घर वाले के लिए सोचिएगा, घर आपके माता पिता होंगे उनके बारे में कुछ सोचिए। माता पिता को कोई मतलब नहीं रहता है, कहता है कि पैसा बुरा दिया, निकम्मा है, ये है, वो है, बहुत सारा बात है। देखिए ना कि आपके नज़र के सामने में 2 साल कोरोना था, सारे टीचर लोग को है ना कि स्कूल से निकाल दिया गया, और 2 साल से कोई काम के लिए टीचर नहीं है, निकम्मा हो गया था 2 साल। सारे प्राइवेट स्कूल बंद हो गई थी ना सर, और उस समय गार्जियन को आप 2 रुपया 4 रुपया नहीं दीजिएगा तो गार्जियन बोलेगा कि इतना पैसा खर्चा किए पढ़ाने लिखाने में, तो तुम सब बेकाम ही लो, तुम सब कोई काम के नहीं हो, तो तुम लोग भागो घर से। इस तरह का हम लोग के साथ हो रहा है। कल भूख हड़ताल पर जा रहे हैं, बहुत सारे अभ्यर्थी घर पर बैठे हुए हैं, उनके लिए क्या करना चाहेंगे? कवरेज आवाज़ कम कर लो, बैठे उनसे कहना चाहेंगे जो अभ्यर्थी घर में बैठे हुए हैं कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आइए, और हम लोग को फंड की भी आवश्यकता है, क्योंकि यहाँ टेंट है, पंडाल है, रहने का जगह है, तो आप लोग आर्थिक सहयोग भी करें। जो महिला साथी बोलती हैं कि बच्चा छोटा है, हम नहीं आ सकते हैं, चाहे बहुत सारी बात है जो बाहर चली गई है, मतलब आउट ऑफ स्टेट है, तो उन लोग से कहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा आप आर्थिक सहयोग करें, क्योंकि हम लोग का संगठन आगे चलता रहे, अनिश्चितकालीन आंदोलन है, तो अनिश्चितकालीन चलता रहे। जब तक सरकार से हम लोग नोटिफिकेशन नहीं लेंगे तब तक वापस नहीं आएंगे, और हम लोग का समझिए कि 70-80% तक काम हम लोग का हो चुका है। कैसे बैठे हुए 80%? इसलिए कि हमारी मैम गई थी, विनीता मैम गई थी सचिवालय, प्रधान सचिव दीपक सिंह से, दीपक कुमार सिंह सर से बात की है, सिद्धार्थ जी भी बात किए हैं, तो उनका कहना था कि बुध पूर्णिमा के दिन और संडे के दिन भी हम तुम लोग के लिए छुट्टी नहीं किए हैं, तुम लोग के लिए स्पेशल मीटिंग बैठ कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हम लोग का काम का प्रोसेस है। अब छोटा सा तो काम है नहीं कि 2 दिन में रिजल्ट आ जाएगा, वो तो पूरा चीज़ करके ही ना बताएंगे कि हाँ इस तारीख को हम नोटिफिकेशन दें। तो विभाग जो है कि सारा जो रिक्तियाँ हैं ये सब इकट्ठा कर रही है, चाहे जो सॉफ्टवेयर कंपनी है उससे बात कर रही है कि ऑनलाइन सेंट्राइज ये सब कैसे किया जाए। इस पर हमारे दीपक सर जो आए हैं नए शिक्षा विभाग में, तो वो जो है पूरा अपर सचिव है, तो वो पूरा एकदम इसमें काम में लगे हुए हैं। आपके कहने का मतलब है कि जो भी छात्र घर पर बैठे हैं बस थोड़ी सी और मेहनत करना है, हाँ जी, थोड़ा सा और सहयोग कुछ दिन तक मिल जाए तो सफलता जरूर मिल जाएगी। जी, घर बैठने वाले अभ्यर्थियों को कहेंगे कि हम लोग का लगभग मतलब सर का सहयोग पूरा मिल रहा है, दीपक सर का, आप लोग सहयोग कीजिएगा, आइएगा, तो नोटिफिकेशन हो सके तो नेक्स्ट वीक में आ ही जाएगा। अगर घर बैठिएगा तो नहीं आ सकता, नहीं आ सकता, संख्या बल भी तो थोड़ा सा दिखाना होगा। हाँ ठीक है, थोड़ा सा दबाव बढ़ेगा, अगर हमारा संख्या 1000 हो जाती है तो नेता प्रतिपक्ष भी आ सकते हैं, शिक्षा मंत्री को भी आना पड़ सकता है। हम लोग का संख्या नहीं रहेगा तो वो लोग आ जाएंगे तो 2 दिन में नोटिफिकेशन आ जाएगा, लेकिन आप लोग संख्या बल नहीं लाइएगा तो इस चीज़ को कम से कम 15 दिन 1 महीना लग जाएगा। इस तरह का प्रोसेस जो प्रोसेस चल रहा है, अगर वो लोग आ जाएंगे तो एक बार आदेश कर देंगे कि हाँ नोटिफिकेशन 10 दिन में दे देना है, तो वहाँ से
शिक्षा विभाग से 10 दिन में नोटिफिकेशन आ जाएगा, लेकिन आप लोग आते नहीं हैं। आप लोग से रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के नम्र निवेदन है कि आप लोग आइए और हम लोग का जो आंदोलन चल रहा है उसको सफल बनाइए। क्योंकि आप सभी लोग कहीं ना कहीं प्राइवेट में अगर काम कर रहे हैं तो जान रहे हैं कि प्राइवेट कब है या नहीं है इसका कोई भरोसा नहीं है, कब आपको वहाँ से हटा दिया। इसलिए समझिए कि नौकरी को, प्राइवेट नौकरी को छोड़ कर ही 2-4 दिन के लिए आप आइए, लेकिन यहाँ आइए क्योंकि आपका यहाँ सिक्योर हो जाएगा। तो अभी अभी जिस अभ्यर्थी से आप सुन रहे थे वो कल जाने वाले हैं भूख हड़ताल पर, संघर्ष जारी है। और जिन वो छात्र जो घर पर बैठे हुए हैं और केवल वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं और मज़ा ले रहे हैं, उनके लिए संदेश था। फिलहाल खबर में इतना ही, बने रहिए News22 Today के साथ। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।